आप देख रहे हैं अपना समाचार। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे मुहूर्त में आए और आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको मैं अरविंद अग्रकल्लू सादर प्रणाम करता हूं। और आज हमारी दो फिल्मों की मुहूर्त है, जिस फिल्म का नाम है बैंड बाजा बारात और घूंघट की आड़, जिसके डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी और प्रोड्यूसर हैं इम्तियाज खान जी। चंदन भाई, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग के बीच एक साथ दो प्रोजेक्ट का आज मेरा मुहूर्त हुआ। और हमारी पूरी टीम कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत मेहनत करके एक अच्छी प्रोजेक्ट आप लोग के बीच था। किस तरह का आपका भूमिका होगा ये दोनों? बैंड बाजा बारात आप लोग नाम से ही जान रहे हैं कि बैंड बाजा बारात फुल रोमांटिक एक्शन मूवी होगी, क्योंकि कल्लू को अगर लोग लिए हैं, चंदन भैया जैसे लिए हैं, तो रोमांस करने का उम्र है, तो रोमांस ही करेंगे। और जब रोमांस होता है तो जरूर है कि हमारे सर और देश सर आएंगे और हमारे रोमांस में ये चांस लगाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके रोमांस में साथ भी दे, बाप बन जाए तो? हाँ, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये फिल्म है, कुछ भी हो सकता है। आप हमारा साथ देंगे, इससे बड़ी खुश नसीबी हमारे लिए क्या होगी। सौभाग्य की बात क्या होगी कि गायक तो वो तो वैसे ही टाइम पास गायक हूँ मैं। वो एक समय था जब कभी गा लेता था मैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो गाता नहीं। आज मंच पे बोल दिया तो हमने गा लिया, तो वो एक पुराना शौक था जो यही है। बाकी तो हम कलाकार हैं, एक एक्टर हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑलराउंडर हैं। शादी के लिए जल्दीबाजी करें क्या बात है? नहीं, जरूरी है ना, इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी उम्र ही कितनी हुई है। अरे कई साल हो गया, अब क्या चाहिए? किधर 21 साल हुआ अभी तो, मत बोलो ऐसा, 21 साल नहीं हुआ अभी इनका, 17 खत्म हुआ है। नहीं, मेरा क्या, हम झूठ नहीं बोलते हैं ना, वो मुंह से निकल। सच भी मत बोलो ना, ऐसा कि लोगों को बुरा लगे। शादी करना किससे है, हीरोइन से करना है या फिर आम लड़की से करना? लड़की ढूंढी जा रही है। नहीं नहीं, हमारे गुरु जी हैं ये, इनको मैं लव गुरु बोलता हूँ इंडस्ट्री में। इनसे सेट पे मैं एक्टिंग भी सीखता हूँ और साथ में जब कैमरा पे जब वो काम धाम चलते तो मैं इनसे कुछ शिक्षा लेता हूँ। ये बोलते हैं प्यार करना जरूरी है, प्यार के बिना तो जगत अधूरा है। देखिए, मतलब वो प्यार में होता क्या ये नहीं बता पाएंगे, शर्मा रहे। अब आधा आधा पढ़े हैं, आधा ये बैंड हमारा बोलम में आधा पढ़ा चुके हैं, सरकारी लोग खटिया में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, इसके बाद बैंड बाजा बारात में पूरा पढ़ा देंगे तो घूंघट की आड़ में घूंघट चुरा लेंगे। हाँ, अभी बहुत फिल्म है आपको पढ़ाने के लिए। क्या थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा ना, इन अगे एक बार पढ़ लेनी बिहार तो ऑपरेशन फेल, तो थोड़ी थोड़ी करके। अभी तो बच्चा है ये, अभी खेलने खाने की उम्र है, जितना खेल खा रहा है खाने दीजिए। वैसे आप प्यार करने में नहीं छीनने में ज्यादा विश्वास रखते हो, और फिर बात करता हूं। आप लोग बता दूंगी ये सुधर गए। प्यार नहीं, प्यार करना जरूरी है, चाहे छीन के करे चाहे प्यार से करे, तो वो भी जायज है। वो जायज है, अरे बाप रे, प्यार और जंग में सब चीज जायज है। नहीं, अब ये बताना चाहेंगे कि ये कैमरे पे ही जो है सो है, लेकिन कैमरे ऑफ कैमरे ये बहुत अच्छे एकदम, समझिए तो मतलब बाबा है, बाबा हो गए, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान हम लोग को देते हैं। संत हूँ, फकीर हूँ मैं, तो अभी बहुत इनके बारे में मैंने सुना था कि ये भी लव चप ज़्यादा करते हैं, लेकिन लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने इनके साथ लगातार, पहले तो फिल्म नहीं करते थे, लेकिन अब जब से कर रहे हैं लगातार इन्हीं के साथ कर रहे हैं, तो पहली बात कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे भी सीखते रहेंगे। और मेरा यही मानना है कि इंसान को हमेशा सीखना है। नहीं, हम सब सीखने के लिए इस दुनिया में आए हैं, चाहे कुछ भी सीखे, अच्छा सीखे, प्यार से सीखे, जज्बात से सीखे। हम अपने चंदन से भी बहुत सीखे जब ये असिस्टेंट हुआ करते थे, और ये मेरी जिद थी और मेरा रिक्वेस्ट था चंदन जी से कि जब पहली फिल्म बनाना तो मुझे देना, और इन्होंने आवारा बलम में मुझे लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंदन। और करके दिल से बड़ा मज़ा आया। इम्तियाज जी के साथ मैंने इससे पहले दीवाने किया था, और ये एक बहुत ही सुलझे हुए प्रोड्यूसर हैं, ये खुद जानते हैं कि किसको कितना प्यार दो तो उतना प्यार रिटर्न मिलेगा,
और ये बिल्कुल नाप तोल करके प्यार देते हैं और नाप तोल के प्यार और सम्मान पाते हैं। तो बड़े सब एक सुलझे हुए यूनिट के बीच में। और कल्लू जी के बारे में इतना बताऊं कि आज हमारी इंडस्ट्री की ये ऐसी उम्मीद है, तो सब चाहते हैं कि मैं इस उम्मीद में अपने आप को ढाल लूं। तो कल्लू अभी वो हैं और गॉड ब्लेस हिम, ये ऐसे ही दिन दुनिया रात चौगुनी सबका प्यार पाते रहें। अच्छा, इतना सारा प्यार मिलता है उसके बाद भी बंदा अकेला है, अरविंद अकेला। देखिए टाइटल है वो एक, देखिए हमने कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, पर्दा, ये अरविंद अकेला इनका पर्दा है, पर्दे के पीछे सब चीज जायज है, पर्दे के पीछे रहकर पर्दे के पीछे वाला प्यार है इनका। हाँ हाँ, अरविंद ऐसा लगता है कि बैंड बाजा महाराज, मतलब अब कभी जिंदगी में किसी की बैंड बजाई या किसी ने आपकी बजाई? जानना चाहते हैं लोग। No comment. क्या है, मैं दूसरे के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, और जो मेरे साथ हुआ है चाहे ना हुआ आगे भगवान करे, ऐसा कुछ बैंड बाजा मैं किसी को बजाऊं ना, मैं डायरेक्ट शादी करूंगा और ये हमारे इन्हीं के मार्फत में करूंगा, क्योंकि ये जो ढूंढेंगे अच्छी ढूंढेंगे। अच्छा, बैंड नहीं बजाई, बजवाई भी नहीं, लेकिन कम से कम नागिन डांस तो किया होगा? हाँ, नागिन डांस बहुत किए हैं, वही तो नागिन डांस किए कि आज जितना भी मुहूर्त में जा रहे हैं लोग बोल रहे हैं डांस करके, तो ये भी प्यार है, ये प्यार है। और ये इधर से भी कुछ पूछना चाह रहे क्या कल्लू जी के लिए? थैंक यू, थैंक यू, आप हमारी मजबूरी को समझें। तलाश जारी है, बहुत जो भी मिलेगी बड़ी अच्छी दुल्हनियाँ मिलेगी, ये अब अकेला नहीं रह जाएंगे, अरविंद अकेला नहीं रहेंगे, अरविंद दुकेला हो जाएंगे। तो ये अपने कोशिश हम सब मिलके कर रहे हैं इनके लिए अच्छी दुल्हनियाँ ढूंढी जाए। हाँ, वो शेयर किया लेकिन हम सबके सामने शेयर नहीं कर सकते ना, शेयर तो बहुत प्राइवेट होता है। मैं भी इनको बोलता हूँ कि इस तरह की ही लड़की ठीक है, मतलब दुल्हनियाँ वैसी होनी चाहिए, ढूंढ रहे हैं अभी हम लोग सब मिल करके, क्योंकि बड़े होनहार हैं अभी, उम्मीद है हमारी इंडस्ट्री के, तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इनका ये कह रहा है कि गांव की लड़की से ही शादी करेंगे, शहर की लड़कियां इन्हें पसंद नहीं है। शहर की कोई होती ही नहीं है सर। अच्छा। दुनिया में शहर बना ही तब था जब पहले गांव आया, तो सब कहीं ना कहीं से गांव की होती है। मतलब पहले गांव की क्यों? शहरी एक लिबास होता है, जैसे हम ये पहन के आ गए ये शहरी लिबास है, धोती पहन के आते तो गांवटी लिबास होता, मैं तो हूँ गांवटी आदमी, तो गांव की ही लड़कियाँ होती है, शहरी एक आवरण होता है, तो आवरण। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी पे चर्चा हो रहा है, तो जो मैंने एल्बम गाया था कल्लू खाती लड़की खो जाता, अब लड़की मिल जाएगी। बड़ा कमाल के एल्बम, दो शब्द गा दीजिए कल्लू जी आप। और ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप मेरी ढूंढ रहे हैं, ये भी भाई जी अभी कमा रहे हैं तो इनके लिए भी इधर भी ढूंढना पड़ेगा क्या कुछ? मेरे बच्चों के लिए ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि सर ने बताया कि मैंने एक गीत गाया है, देखिए मैं ऐसा सिंगर हूँ कि मैं दूसरे के ऊपर गाना नहीं गाता, और जितने लोग दूसरे के ऊपर गाते हैं चाहे वो जातिवाद को लेके गाते हों या किसी का नाम पकड़ गाते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी का नाम पकड़ के पर्सनली जिंदगी में ना गाएं। तो मैंने अपने ऊपर ये गीत गाया है, हरी नवी बारी सवा में हो गईले गायक, चढ़ल अठारह तो बन गईले नायक, हाँ भैया के अब गे बुझाता कि कलू खाती लड़की खो जाता, कि जगे जगे फोटो भेजाता। तो बस लड़की ढूंढी जा रही है और बैंड बजा बारात लेके हम लोग रेडी हैं। पोस्टर में आप पीपीडी बजाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये आप अपने ही शादी का बजा रहे हैं या किसी और के? किसी और का मैं तो बजाऊंगा ही, लेकिन इतनी खुशी है, इतने सालों से मैं, मेरा ड्रीम है कि मेरी भी शादी हो जाए, तो मैं खुद बजाऊंगा, खुद नाचूंगा भी अपनी शादी। तो लड़की आपको ढूंढने वाले हैं या सर हैं सब? सर लड़की इनके लिए सब ढूंढ रहे हैं, मिली तलाश बहुत लोग कर रहे हैं एक साथ। चंदन जी, वैसे आप खुद शादी नहीं करते हो, कभी बैंड बाजा बारात करवाते हो, कभी घूंघट के आड़ में, कभी कद्दू के लिए लड़की ढूंढते हो, क्या कसम खा ली है हिंदुस्तान से कुंवारों को खत्म कर देंगे? नहीं, ये सब इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए कोई लड़की तलाश लें, लोगों के लिए बीच में कल्लू के कंधे पे कल्लू रखे। हाँ, डेफिनेटली बहाने कुछ और होंगे, लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं, डायरेक्ट तो किसी लड़की को जाके बोल नहीं सकते कि यार तू मेरे शादी कर ले, अब उसने ना कर दिया तो दिल ही टूट जाएगा, इससे अच्छा है कि बोलो ही मत। मतलब ये कल्लू और उनके डायरेक्टर दोनों इनडायरेक्टली लड़कियां ढूंढ रहे हैं, ऐसा ही ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इन लोग के लिए, सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, अरे ये सवाल पूछना ही गलत है कि कुमार, हम सब कुमार हैं। अरे वाह, क्या बात है, लिखा हुआ हम सब कुमार हैं, किधर लिखा हुआ है, कोई कोई निशानी नहीं है, अभी तो जवानी की शुरुआत भी नहीं हुई है, सूत्र भी नहीं है कि पता चले कि शादी शुरू है। आपकी पत्नी को शेयर करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जानती है कि मैं कमा रहा हूँ अभी तक। अच्छा, इन्होंने तो शादी नहीं की है। शादी नहीं की है। तो क्या किया है फिर?
हमने देखे प्यार में भरोसा है मुझे, प्यार 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 को इन्होंने निभाया है। मेरे सामने चार लड़कियां चार भोजपुरी की सुपरस्टार हीरोइन ने आई लव यू कह चुकी है कैमरे पे, लेकिन मैंने भी 40 को कह दिया पहले। चलिए चंदन बताइए, जरा दो फिल्में हैं, एक बैंड बाजा बारात और एक विमन की आड़ में, जरा बताइए कैसे शुरू होंगी, क्या होगा? सबसे पहले तो इम्तियाज भाई को, इम्तियाज सर को थैंक यू बोलूंगा, आई के मूवीज को थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। इन्होंने फिल्म बनाई है, पहले दो फिल्में, एक पंचायत बनाई थी और दूसरी फिल्म दीवाने बनाई थी, तो उसके बाद मेरे ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया बैंड बाजा बारात और घूंघट की आड़ के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस लायक चुना कि ये फिल्म मैं बना पाऊँ, और कोशिश करूँगा कि आपने जो मुझ पर विश्वास किया, जो मुझ पर ट्रस्ट किया, उसके ऊपर बड़ा हो सकता है। अभी रिसेंटली मैंने फिल्म बनाई है, हम लोग एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं, 7-8 सालों से जब मिले हैं, और रेगुलरली हम लोग एक दूसरे संजोग नहीं था। एक दिन अचानक बातचीत होने लगी और मैंने बोला कि सर फिल्म बनाई है, हमने आवारा बोला बैठे हम लोग देखे, बोले चंदन एक मुझे ये फिल्म करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन काफ़ी चाहता हूँ कि फिल्म करो और तुम करो। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर मेरे ऊपर कि आपने मुझे इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया फिल्म के लिए, थैंक यू। जैसे वैसे दो फिल्में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, एक बैंड बाजा बारात जिसे ये डायरेक्ट करेंगे चंदन जी, जो कि घूंघट की आड़ में उसे आपको डायरेक्ट करेंगे, मतलब घूंघट की आड़ में आप ज़्यादा बेटर हो? नहीं, मैं वो सब्जेक्ट मेरा है, मैं उसका बहुत बारीकी से जानता हूँ, वो इनका सहयोग रहेगा। उन्होंने बोला कि सर मैंने एक सब्जेक्ट लिखा है, डायरेक्शन मेरा रहेगा कि ऐसा ऐसा, तो मैंने बोला बहुत अच्छा है सर, और वाकई में हाँ वो सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। फिर बोले कि मेरा ड्रीम है, तो मैंने बोला अगर आपका ड्रीम है तो एक काम करिए, हम लोग तो हैं ही आपके टीम में जुड़े हुए, आपके आप हम लोग सहयोग करेंगे, आप फिल्म खुद बनाइए एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, पहले भी लोग बहुत सारे लोग आए हैं एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, और बुरा नहीं एक प्रोड्यूसर अपने तहत जितना सोचता है। यस, और सब्जेक्ट को लेकर और उस चीज़ को मुझे लगता है कि 3-4 सालों से इस फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे वो घूंघट की आड़ में, सब्जेक्ट बहुत तरीके से उन्होंने फिर हुआ, और जो एकदम गाँव का सब्जेक्ट होता है प्रॉपर वो सब्जेक्ट है घूंघट की आड़ में, घूंघट में क्या क्या ड्रामा होता है, क्या क्या बदल जाता है, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। बहुत वैसी फिल्म आई थी घूंघट में घोटाला, अभी आई नहीं, वो तो रिलीज नहीं हुई है, वैसी मतलब वैसे ही सब्जेक्ट है उसका भी। हाँ भाई, दोनों सब्जेक्ट तो मुझे नहीं पता, सब्जेक्ट तो नहीं नहीं दोनों टाइटल भी अलग है, वो घूंघट की घोटाला है, वो घूंघट में घोटाला पहले क्लियर हो गया कि घोटाला ही होता है, और यहाँ पे क्लियर नहीं है कि घूंघट यार्ड में क्या क्या होता है, तो एक्सपीरियंस वाले आदमी बैठे हैं तो। अच्छा इंडिया जी, बैंड बाजा बारात में भी कल्लू होंगे और घूंघट की आड़ में भी कल्लू होंगे? बिल्कुल। खास वजह यह है कि अगर बारात लेके जा रहे तो घूंघट लेके आना है दुल्हन को, तो दूसरा कैसे आएगा, इसलिए जो दूल्हा जा रहा है वही दुल्हन को भी लेके आएगा घूंघट के। अभी सीरीज बनाया है ये? हाँ, ये सीरीज है एक्चुअली, सीरीज हमने आवारा बलम शुरू की, एक लड़का आवारा होता है और हाँ। वो उसके बाद कल्लू की दुल्हनिया भी मैंने अनाउंस किया था, तो वो भी अभी शुरू होगी, मारपीट करके दुल्हन हम लाएंगे, तो उसके बाद अब दुल्हन कैसे हो रहा है, घोटाला होगा उसमें, क्या हेर फेर होता है घूंघट। अगर अपने आप को एज एन एक्टर मुझे हमेशा जिंदा रखना है, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मैं काम करूं, और मेरे मरने के बाद मेरे काम की चर्चाएं हो, तो उसके लिए पॉजिटिव रोल बहुत आवश्यक है। एक एक्टर के जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरी किस्मत है जो मुझे ऊपर वाले ने दिया है, तो मैं उसको हमेशा निभाना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि विलेन छोड़ दिया, क्योंकि हमारे जनता को जब बोलता हूँ पब्लिक को कि भाई मैं सोचता हूँ विलेन नहीं करूँ, तो एक सुर से आवाज़ आती है कि नहीं 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 विलेन कीजिए, तो विलेन भी करूँगा, लेकिन पॉजिटिव रोल्स डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स वो उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है। फिल्म कब से शुरू हो रही है? हम जून का प्लान किए हैं, नहीं नहीं अलग अलग होगा, पहले बैंड बाजा बारात होगा, उसके बाद घूंघट की आड़ में। अच्छा हीरोइन फाइनल हुई है? अभी फाइनल बोला गया ना कि दुल्हन की तलाश में है, तलाश में दुल्हन की, अगर आप लोग के सहयोग से कोई अच्छी दुल्हन मिलती है तो जरूर। आप लोग ज्यादा जगह जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छी हीरोइन ला दीजिए। त्रिपाठी जी कि आप बिंदास बोलते हैं और बेबाक सवाल करते हैं, तो वैसे ही चाहूंगा कि अगर आपको कोई खूबसूरत सी दिख जाए जो
कल्लू की दुल्हन बनने लायक हो फिल्म में? एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है आप लोगों पे। अच्छा, तो आपको हीरोइन बनाना चाहता हूँ चंदन उपाध्याय, कल्लू की दुल्हन बनोगी तो मारे बारी कितनी? वो सर आप समझे पत्रकार आदमी हो, हम कुछ नहीं बोल सकते। खुलासा कर दिए इन्होंने, जैसे कि आपने उसके लिखा है, तो वो क्या रियल घटना होगी या क्या है कुछ? नहीं नहीं, रियल घटना पे तो नहीं है, एक ड्रामा ही है, बाकी जो उसका था इन्होंने बता दिया कि क्या क्या है, तो आप खुलासा नहीं करना चाहेंगे? थोड़ा रहने दीजिए पर्दे में, थोड़ा उसको पर्दे जब घूंघट डाला हुआ है उसको घूंघट में थोड़ा सा रहने दीजिएगा तो खुलेगा, अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू आप सबको, ऑल द बेस्ट। आप देख रहे हैं अपना समाचार।